नमस्कार इंदौर स्टूडियो के सारे ऑडियंस को, और एक तरीके से हम वेलकम करना चाहते हैं। इस बार हम भारत रंग महोत्सव में वर्ल्ड थिएटर फोरम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा नाम अभिलाष पिल्लई है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, और मुझे वर्ल्ड थिएटर फोरम ऑर्गेनाइज करने का इंचार्ज हूं मैं इस साल। तो इसमें मैं रियली बताना चाहता हूं इस बार कि हम लोग एक टीम है पूरे वर्ल्ड थिएटर फोरम के, हम लोग एक साथ काम किए हैं, और इस बार का थीम जो है, जो सब्जेक्ट है, वो है न्यू विजुअल लैंग्वेज इन थिएटर। इसका मतलब दुनिया में पूरा क्या नया लैंग्वेज, क्या क्या विजुअल लैंग्वेज, मतलब वर्बल लैंग्वेज के अलावा विजुअल लैंग्वेज में क्या क्या हो रहा है। वर्बल लैंग्वेज भी विजुअल लैंग्वेज में ही आता है, तो विजुअल कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या नया हो रहा है, उसकी कीनोट एड्रेस देंगे डॉक्टर नीलम मानसिंह चौधरी। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो चेयर करेंगे डॉक्टर अनुराधा कपूर। फिर स्पीकर्स होंगे उसमें अमित परमेश्वरन, प्रोफेसर आशीष सेन गुप्ता और मरियाना वेंस्टेन उर्गे से। इस तरीके से हमारे डिफरेंट सेशंस हैं, और ये पर्टिकुलर सेशन जो है ये स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है। आज नया विजुअल लैंग्वेज वर्ल्ड ओवर में क्या हो रहा है उसके बारे में ये सेशन होगा, पहला सेशन जो है। उसके बाद हमारा सेकेंड सेशन एम के रैना जी, जो बहुत रिनाउंड थिएटर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर इंडियन थिएटर के, वो चेयर करेंगे। और उसमें जो स्पीकर्स हैं वो है अनुरूपा रॉय जो इंडिया से हैं, ज्योति डोगरा जो इंडिया से हैं, और सरोजनी लिविस जो नीदरलैंड से हैं। इन लोग की पूरी प्रेजेंटेशन होगी, और ये बेसिकली प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि जो रियली थिएटर बनाते हैं, जैसे अनुरूपा रॉय पपेट और लाइव एक्टर्स को रख के बनाते हैं, तो उनका नया लैंग्वेज क्या, किस तरीके से एक नया विजुअल लैंग्वेज आ रहा है। वैसे ही ज्योति डोगरा अपनी बॉडी और वॉइस के साथ काम करते हैं, उससे कैसे एक विजुअल लैंग्वेज नया बन रहा है। और फिर एक तरीके से सरोजनी लुइस के नीदरलैंड से, वो भी एक तरीके से यही बोलेगी कि वहाँ पर नीदरलैंड्स में किस तरीके का नया कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इसको लेकर। और उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन जो है, जो ये 17 तारीख का प्रोग्राम है, और ये शुरुआत होगी, ये प्रोग्राम 17 तारीख को दो बजे से तकरीबन 6-6:30 बजे तक चलेगी। वैसे ही फिर 18 तारीख को फिर से हमारा 2 बजे से शुरू होगा, और 2 बजे से वैसे ही 6:30 बजे तक चलेगा। पर 18 को न्यू विजुअल लैंग्वेज इन थिएटर फ्रॉम परफॉर्मर एंड पेडागॉग्स पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो इसमें चेयर करेगी माया कृष्ण राव, जो बहुत ही सीनियर परफॉर्मर है हमारी देश की, और वो चेयर करेगी। और इसमें स्पीकर्स है डैनियला फ्रांसिक, जो एक तरीके से टीचर हैं, पेडागॉग हैं, एट द सेम टाइम वो एक परफॉर्मर भी हैं। जिहान मनीषा जो बॉम्बे थिएटर स्कूल बनाए हैं, तो उनका वो भी एक पेडागॉग है। शंकर वेंकटेश्वरन जो एक थिएटर डायरेक्टर हैं, और उसके साथ साथ वो एक्टर भी हैं और थिएटर मेकर भी हैं। और सुजेना वलेरी ग्रैंडसिया, ये ऑस्ट्रिया से हैं, और ये वहाँ की थिएटर में कैसे काम होता है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू विजुअल लैंग्वेज में क्या क्या काम हो रहा है, इसके बारे में बातचीत होगी। और उसके बाद उसका नेक्स्ट सेशन जो होगा, जो 4:15 बजे से 6:15 बजे तक चलेगा, जो हमारा लास्ट सेशन होगा वर्ल्ड थिएटर फोरम इस साल का, उसमें प्रोफेसर कीर्ति जैन, जो हमारी पहले डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रह चुकी हैं और बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, वो चेयर करेंगे। और उनके साथ साथ स्पीकर्स जो हैं डॉक्टर आर्नो बोहलर ऑस्ट्रेलिया से, आर्निका जो जर्मनी से, और सैमुअल बर्कर्ट फ्रांस से। इन लोग स्पेक्टेटर्स, मतलब सोशियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज विजुअल लैंग्वेज किस तरीके से नए विजुअल लैंग्वेजेस हो रहे हैं। इसमें बेसिकली ये बातचीत होगी कि नया विजुअल लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन आ रहा है आजकल, मतलब थिएटर एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, पर आजकल विजुअल आर्ट्स के साथ भी थिएटर कोलैबोरेट कर रहा है, पपेटियर्स के साथ भी थिएटर कोलैबोरेट कर रहा है, सर्कस आर्टिस्टों के साथ भी थिएटर कोलैबोरेट कर रहा है, पेंटर्स के साथ भी थिएटर कोलैबोरेट कर रहा है, म्यूजिशियंस के साथ ये थिएटर कोलैबोरेट कर रहा है, डांसर्स के साथ थिएटर कोलैबोरेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो नए विजुअल लैंग्वेज वर्ल्ड ओवर में बन रहे हैं, और इंडिया में भी हो रही है, इसी को लेकर बातचीत हो रही है। तो जरूर हम लोग सब चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग आइए, और
हमारे साथ ये दोनों दिन ये सेशंस में रहिए। थैंक।